प्रभु यीशु मसीह दे मिठे दे जलाली नाम दे विच सब नू मेरे वालों पास्टर विक्टर एम सिद्धू वालों और मोमन ब्रदर्स यानी कि साहिल मोमन वालों और आकाश मोमन वालों सब नू जय मसीह दी और खुदा तुहानू सारे नू ब्लेस करे। दोस्तों पिछले हफ्ते भी असी लाइव होए सी और प्रभु दे कलाम नू और गीत नू तुहाडे नाल शेयर कीता सी और अज भी असी प्रभु दे गीतां दे विचों भजनां दे विचों तुहाडे नाल मंडणा चाहुंदे हाँ और प्रभु दे कलाम नू शेयर करना चाहुंदे हाँ। और असी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह दे नाल सब चर्चे जिहड़े ने ऑनलाइन ने, सो ऑनलाइन असी वे छोटी बंदगी नू करना चाहुंदे हाँ। सो जरूर इस दे नाल जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो खुदा तुहानू ब्लैस करता है जे इस वीडियो नू दूसरे नाल भी शेयर करिए ताँ जो दूसरे लोग भी सुन के बरकत पाउण। आमीन। सो असी छोटी दुआ करके असी अज दी छोटी बंगी नू शुरू करांगे। सुरगी पिता प्रभु यीशु मसीह दे मिठे दे जलाली नां दे विच तुहाडे दया वाले सिंघासन दे सामने आउंदे हां और तुहाडा धन्नवाद करदे हां तुहाडियां सब भलाईयां दे लई, आशीषां ते बरकतां दे लई और अज दी इस खूबसूरत शाम दे लई प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां जो तुसीं साडे जीवनां दे विच प्रभु दित्ती। जिन्ने भी प्रभु तेरे लोग तेरे बच्चे प्रभु लाइव इस मीटिंग नूं देखण जां बाद दे विच प्रभु इस मीटिंग नूं देखण उन्हां उपर तुहाडा वड्डा मसा आवे, तुहाडी वड्डी शक्ति ते समर्था आवे और प्रभु जो गीत भजन जबूर असीं गाईए उसदे द्वारा भी प्रभु तुहाडे लोक बरकत पाउण और जो कलाम शेयर कीता जावे प्रभु उसदे द्वारा तुहाडे लोकां दा ईमान तकड़ा ते मजबूत हो जावे और जिंदगियां प्रभु बदल जाण। मैं अपने आप नूं प्रभु तेरे बच्चियां नूं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदा हां, तुसी अगवाही करो, तुसी चलाओ और प्रभु अपनी महिमा दे लई इस्तेमाल करो। और प्रभु खास दुआ करदे हां इस महामारी दे लई जो इस संसार दे विच फैली हुई है, प्रभु यीशु मसीह तुसी इसका खात्मा कर सकते हो क्योंकि तुहाडे कलाम च लिखिया जो गल्लां मनुखां दे लई अनहोणियां हन, बाइबल दे विच लिखिया है सब कुछ खुदा दे लई संभव है, खुदा कर सकता है और प्रभु तुसी ही इसका खात्मा कर सकते हो। इस करके प्रभु साडा भरोसा ईमान तुहाडे उपर है। हर एक व्यूअर नूं वड्डी आशीष ते बरकत दिओ और सानू प्रभु अपनी महिमा इज्जत जलाल दे लई इस्तेमाल करो। ऐ दुआ प्रभु यीशु मसीह दे मिठे ते जलाली नाम विच मंगदे हां। आमीन, आमीन, प्रेज जीसस, हालेलुया। सो प्रभु ने महिमा दे लई गीत गावांगे। ऐ खुदावंदा मैं तेरा बंदा, हाथ वधा लै मैनू बचा लै, तू बहुत चंगा। और उस तों बाद भाई साहिल दे नाल भी मिल के प्रभु दी महिमा दा गीत गावांगे और फिर प्रभु दे कलाम नूं असीं जिहड़ा उह सुणांगे। हालेलुया।
सिमर के प्रभु की महिमा दे लई एक गीत भाई साहिब दे नाल मिल के गावांगे और बहुत ही अच्छा गीत जेड़ा है वो असि गावांगे जीवन मिलिया मिलिया बरकत आई आई प्रभु की महिमा दे नाल मिल के गावांगे
आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा हालेलुया। सचमुच जो असि प्रभु यीशु मसीह दे विच आ जाने हैं तो प्रभु की बरकत जिहड़ी है वह सानू जीवन मिलता है, उहदी आशीष साडे जीवनां विच ठहर जाती है और उहदी बरकत जिहड़ी है साडे जीवन विच आउणा शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसी मैनू नहीं चुनिया सगो मैं तुहानू चुनिया है कि तुसी बहुत सारा फल लेके आओ और तुहाडा फल जिहड़ा उह बणिया रहे। हालेलुया। Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, asi thode samay layi prabhu de kalam nu dekhange. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, asi ko lamba choda main pichle hafte vi asi jadon live kita si adhe ghante de layi aur geet vi gaaya si ajj asi do geet gaaye ne. So, agle 15-20 minute de layi asi prabhu de kalam nu sunna hai. इस करके तुसी इस वीडियो नू प्लीज जरूर शेयर करिए। मैं जानता है बहुत अज प्रभु दे बड़े दास जिहड़े ने वह भी लाइव बनगियां जिहड़ियां शेयर कर रहे ने और असी जानते हैं कट्ठे होना मनाई है और इस करके सारे जिहड़े प्रभु दे दास ने ऑनलाइन बनगियां करदे पए ने और मेरी दुआ है खुदा प्रभु दे सब दासां नू वड्डी बरकत देवे और होर भी वध चढ़ के जिहड़ा अपने कम्मां दे लई इस्तेमाल करांगे करे। और अज असी देखते हैं प्रभु के वचन के अज असी देखांगे पिछले दिनों के मैं एक वीडियो पाई सी फेसबुक उत्ते भी और यूट्यूब उत्ते भी और उस दे विच मैं दस्या सी कि असी जो सिचुएशन है हालात है जो करोना वायरस की इस परिस्थिति बनी हुई है हालात बने हुए ने इसका असी सामना किवें करना है और उहदे विच मैं दस्या सी कि विश्वास राही लिखिया मेरा धर्मी जन नेचा तो ही जिंदा रहेगा और उहदे विच मैं दस्या सी कि विश्वास दे नाल असी इहदा की करना है सामना करना है और उहदे विच मैं दस्या सी कि विश्वास वालियां गल्लां नू रब दे कलाम नू सुनना है फिर साडे अंदर विश्वास पैदा होएगा। जदों विश्वास पैदा होएगा विश्वास वालियां असी गल्लां करिए विश्वास वालियां की करिए असी जी गल्लां करिए और विश्वास वाले की करिए काम भी करिए। आमीन। और अज जेड़ा वा उही विश्वास दे बारे असी होर इहदा अगला पहलू सीखना चाहुंदे आ और वह पहलू यह है कि साडे विश्वास की परख। मैं अज दसांगा दो गल्लां नू इहदे विच मैं दसना चाहवांगा कि साडे विश्वास की परख क्यों जरूरी है जां इसका की महत्व है साडे जीवनां दे विच और असी जिहड़ी है साडे विश्वास की जिहड़ी परख हुंदी है चाहे परतावियां दे द्वारा चाहे हालातां दे द्वारा चाहे जज्बातां दे द्वारा जिवें भी साडे जदों विश्वास की परख हुंदी है ते असी किद्दां इहदे विच की पाउणी है फतह पाउणी है। हालेलुया। और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं जानता है तुसी जदी इस नू समझोगे इस नू पूरी गौर दे नाल सुनोगे ते तुहाडे जीवन जिहड़े ने बदल जाणगे क्योंकि अज जिहड़ा हर एक विश्वासी है उहदे विश्वास दी की हो रही है जी परख हो रही है। जिहड़े ते सिर्फ कलाम सुनन वाले सी बाइबल च लिखा जिहड़ा सिर्फ कलाम नू सुनदा उहनू मनदा नहीं उह उस मूर्ख व्यक्ति वर्गा जिन्हें अपना घर रेत उत्ते बनाया और जिहड़ा व्यक्ति कलाम नू सुनदा और उसनू मनदा उस बुद्धिमान व्यक्ति वर्गा जिन्हें अपना घर चट्टान उत्ते बनाया। और मेरे जीजो अज हालातां दे द्वारा अज परख हो रही है कि किन्ने कलाम नू सुनन वाले ने सिर्फ सुनन वाले ने ते किन्ने कलाम नू सुन के ते मनन वाले ने। और दुख दी गल ए कि अज जिहदा विश्वास चिन्ह चमत्कारां उत्ते जां सिर्फ सुनन उत्ते बणिया होया कलाम नू मनदा नहीं पूरा नहीं करदा कलाम वाली जीवन जिसदा नहीं आ उहनां दा विश्वास की होएगा जांदा रहेगा। और अज हर एक विश्वासी दे विश्वास दी की हो रही है जी फर्क हो रही है। ये हालात जिहड़े ने बने हुए ने इहदे विचों कोई भी इहदे तों बचिया होया नहीं आ। हर एक जन जिहड़ा इस दुनिया दे विच है इस हालातां नू की हो रहा प्रभावित हो रहा और साडे विश्वास दी की हो रही है जी फर्क हो रही है। इस करके मैं खुदा दे कलाम दे विचों देखांगे पहली तो गल भी इहदी महत्व की है साडे जीवन दे विच साडे विश्वास दी परख दा और दूसरा असी इहदे उत्ते जिहड़ा वा जदों साडे विश्वास दी परख हुंदी है ते असी फतह किवें पाउणी दो गल्लां सिर। सो पहला असी पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों यकूब दी पत्री उसदा इक बाब उसदी दो तो चार आयतां तक तीन आयतां असी जिहड़ियां पढ़ांगे। हांजी है मेरे भरावो जां तुसी भांत भांत दे परतावियां विच पवो। हे मेरे भरावो जदों तुसी भांत भांत दे परतावियां विच पवो तां इहनू
पूरन आनंद दी गल जानो ता इनू पूरन आनंद दी गल जानो। पहली गल ते जदों साडा विश्वास परख्या जांदा आ जदों असी भांत भांत दे परतावियां विच असी पैने आ ते पहला साडा रिएक्शन ए होना चाहीदा कि कहिंदा इनू तुसी पूरन आनंद दी गल जानो। हां जी क्यों जो तुसी जानदे हो जिहड़े लोकां दा जीवन कलाम उत्ते बनिया होया आ जिहड़े प्रभु यीशु मसीह नूं जानदे ने जिन्हां ने यीशु मसीह दे चेहरे वल तकदे रहिंदे ने जिहड़ा साडे नेचर दा करता ते संपूर्ण करन वाला वा उह इह गल नूं जानदे ने। कहिंदा क्यों जो तुसी जानदे हो। हांजी परीख्या है वह की बनाउंदी आ जी धीरज बनाउंदी है। हांजी धीरज की हांजी अगे पढ़िए धीरज दे काम नूं पूरिया होण लैण दे धीरज दे काम नूं कहिंदा पूरिया हो लैण दिओ। हांजी भाई तुसी सिद्ध अते संपूर्ण हो भाई तुसी सिद्ध अते संपूर्ण हो जाओ अते तुहानू किसे गल दा घाटा ना होवे और तुहानू किसे भी गल दा घाटा ना होवे। पहली गल जदों भांत भांत दे परतावियां विच पैंदे कहिंदा इहनू पूरन आनंद दी गल जाणो। ए जानदे होए कि जिहड़ी विश्वास दी नेचा दी परीख्या वा ओह की करदी आ जी धीरज बनाउंदी है और धीरज दे काम नूं पूरा होण लैण दिओ तां जो तुसी सिद्ध ते संपूर्ण हो जाओ। पहली गल जदों साडे विश्वास दी परख हुंदी आ जदों इत्थों तक पतरस ने कहा कि जदों साडा विश्वास परख्या जावेगा ते लिखिया उह जदों साडा विश्वास बहुमुल्ले सोने नालों वी किते वध के जिहड़ा निखरेगा ते लिखेंदा उह विश्वास दा की कीता जावेगा आदर कीता जावेगा। यीशु मसीह खुद उसदा आदर करेगा और लिखेंदा जिहड़ा साडा परख्या होया विश्वास है बहुमुल्ले सोने नालों वी किते वध के। इस करके लिखिया साडे कहिंदा विश्वास दी परख हो लैण दिओ और कहिंदा आ क्योंकि इस दे नाल की हुंदी है धीरज पैदा हुंदी आ और धीरज दे नाल की हुंदा आ जी तुसी इह करके कि तुसी सिद्ध ते संपूर्ण हो जाओ ते तुहानू किसे भी गल दा घाटा ना रहे। अज बड़े लोग इस भेद नू नहीं समझते और अपने विश्वास की परख होण देना नहीं चाहते और जो भांत भांत के परतावे विच पैंदे ने उदो लोकी दुखी ते परेशान हो जाते ने। और मैं दसदा हुंदा अजूब की घरवाली वांगू कि जो जी जी बरकतां वाली उहदी खुशी सी उह जो बरकतां चलियां जांदियां ने उहदे नाल ही उहनां दा आनंद खुशी विश्वास भी चलिया जांदा है। कई हालात जो बड़े वधिया रहिंदे ने विश्वास भी बड़ा वधिया रहिंदा है जो हालात विगड़ जांदे ने नाल ही उहनां दा विश्वास विगड़ जांदा आ। इसे करके विश्वास की परख होनी बड़ी जरूरी आ। हालातों के नाल पता लगेगा परतावे के परीख्या के नाल कि इस बंदे का विश्वास सच्चा आ कि झूठा आ। इहदा विश्वास बहुमुल्ले सोने नालों वधिया आ कि जां फिर वह जिहड़ा लिखे तूड़ी वर्गा आ जां घाह फूस वर्गा वा जिहड़ा हालातों के नाल की हो जाएगा उड जाएगा। इस करके साडे विश्वास की परख होनी बड़ी ही जरूरी है। हुण मेरे को इन्ना समा नहीं कि सारा ही ज्यादा पढ़िए इहदे अगे जो पढ़िए बारह कायतों तो थले ते लिखिया जो तुसी परतावन है वह मनुख जिहड़ा की पाउंदा है जिहड़ा परीख्या विच परतावे उत्ते की पाउंदा है जी फता पाउंदा है। कहिंदा जे तुहानूं कोई परतावा जावे ते इह ना कहे कि परमेश्वर मैनूं परतावंदा है क्योंकि बाइबल च लिखिया है रब कदे भी बुरियाई दे नाल किसे नूं परतावंदा नहीं क्योंकि बुराई तो है नहीं। जिहड़ा बुरा बंदा हो बुरा इंसान हो बुरियां चीजां नाल बुरे किसे नूं परखेगा रब भला परमेश्वर है लिखिया वह कदे भी किसे नूं बुरियाई ना ते वह बुरियाई नाल परखिया जांदा ते ना ही वह किसे नूं बुरियाई नाल परखदा। और लिखिया खुदा दे कलाम दे विच कहिंदा जे कोई ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਤਾਵਾ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪਰਤਾਵੇ ਸਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪਰਤਾਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ 4:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ 1:1 ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ
परतावे। मेरे जी जो शैतान ने परताया उन्हूं रब ने नहीं परताया, पर पवित्र आत्मा उन्हूं लैके उथे गया। जो असीं दुआ करदे आ कि प्रभु सानू परतावे विच ना पैण दे, इहदा मतलब ए नहीं कि रब सानू परतावे विच जा पावेगा जां बुराई दे नाल सानू परखेगा। इहदा मतलब ए कि रब्बा जदों असीं परतावे दे विच पईए, जे परतावे च जाइए ते सानू परतावे विच डिगण ना दवी, सानू बरियाई तो बचावी, कितने वह ना ऐसी बरियाई कर दी है। जो परतावे जो सानू शैतान परतावे हालात सानू परतावन, और जो साड़ियां अपनियां बिलाशावां भी इतों तक सानू परतावन, ते असी उहदे विच डिग ना जाइए। इस करके बाइबल दे विच लिखिया कुरंथियां दे विच उत्ते लिखिया सी, खुदा दा कलाम उत्ते कहिंदा, इस करके जो असी परताए कोई भी अजिहा परतावा साडे उत्ते नहीं आया जिहड़ा साडे सहण तों की आ जी परे आ। और लिखिया साडा खुदा की आ, इसे करके परतावे दे नाल ही साडे निकलण दा रास्ता भी कढ दिंदा। ते मेरे जीजो रब सानू बुराई नाल परतांदा नहीं आ, रब सानू परख ते परतावे दा फर्क जे भी मैं एक गल तुहानूं दसणा चाहुंदा, इक परख रब साडे विश्वास नूं परखेगा। अब्राहम दा विश्वास परख्या गया, होर भी जिन्हें रब दे जोधे होए ने सारिआं दी परख होई आ। परख ते परतावे विच फर्क आ, जदों परतावा आउंदा है भांत भांत दे परतावे विच पैंदे ने, उह रब नहीं सानूं उस परतावे दे विच फसावेगा। साडे मैं तां दस्सिआ दुनियावी हालातां वल्लों शैतान वल्लों जां अपनी अभिलाषावां दे द्वारा असीं परतावे विच पै सकदे बुरियाई दे लई, पर रब की करदा साडे विश्वास दी की करदा आ, परख करदा। जदों परख करदा उह कहो जिहियां गल्लां च सानूं परखेगा, उह कर परखेगा कि वेखो की इह प्रभु दे काम दे लई मैनूं अपना हिस्सा देना चाहुंदा आ कि नहीं, की ये मेरी सेवा करनी चाहुंदा के नहीं, की ये दुआ करेगा, की ये बाइबल पढ़ेगा, की ये मैनूं अपना समा दिंदा है, की मैनूं अपने जीवन दे विच मैनूं पहल दिंदा है के नहीं। सो प्रभु जेड़ा वा अपनी चीजें से करके जो रब ने अब्राहम नूं दसना मैनूं अब्राहम नूं परख्या, ते रब ने उसनूं कहा कि तू इसहाक दा की कर दे बलिदान दे दे। सो प्रभु जेड़ा वा इना गल्ला दे विच साडे विश्वास दी की करदा परखंदा, जदों असीं उहदे विच वी खरे उतरदे आ ते की हुंदा जी, सानू विश्वास दा की मिलदा आ, फल मिलदा, सानू विश्वास दा की मिलदा आ, इनाम मिलदा है। बाइबल च पढ़िए 17:17-18-19 आयत नूं पढ़ना कि किस तरह, हुण मैं तुहानूं इह गल दसणा चाहुंदा, जदों असीं परताए जांदे आ साडी परख जदों रब वल्लों भी हुंदी आ, और इन्हां चीजां विच भी किद्दां असीं जिहड़ा वा इहदे उत्ते फतह पा सकदे, खुदा दे कलाम च देखांगे 17:1। नेचा नाल अब्राहम ने इह लिखिआ है इब्रानियां दा 11 ते उहदी 17 विश्वासियां दा पिता अब्राहम नूं कहा जांदा। जदों साडे पिता अब्राहम दा परतावा होया ते किद्दां उह परतावे दे विच सफल होया, उह असीं खुदा दे कलाम च देखांगे। अपने इकलौते दिते गए सन, अपने इकलौते जिनू वायदे दिते गए सन चढ़ाउण लगा, जिनू इह आख्या गया जिदे बारे ए आख्या गया सी भाई इसहाक तो तेरी अंश आवेगी, कि इसहाक तो ही तेरी अंश आवेगी, क्यों जो ओने विचार कीता जो परमेश्वर मुर्दियां विचों भी उठालन नु समर्थ है, भी उसने विचार कीता कि परमेश्वर मुर्दियां विचों ज्वालन नु भी किया उठालन नु समर्थ है। हां जी, जिन्ना विचों उहने मानो उहनूं प्राप्त भी कर लिया है, जिन्ना विचों मानो उहने उसनूं प्राप्त भी कर लिया। हुण असीं खुदा दे कलाम चों इत्थे दो गल्लां नूं मेन इस गल दे विच देखांगे, जदों अब्राहम परख्या गया परताया गया ते उहनूं किद्दां जिहड़ा सी उहनूं किद्दां मतलब इस विच फतह पाई। पहली गल लिखिआ जदों अब्राहम परताया गया इसहाक दी बली चढ़ाउण दे लई उसनूं कहा गया, ते लिखिआ अपने इकलौते नूं उस वादे दिते सन की कर लगा जी चढ़ाउण लगा। हालेलुया, लिखिया है बाइबल दे विच पहली गल कि उसने उस इतिहाक नूं की करन लग गया चढ़ाउण लग गया, और उसने लिखिया जिस नूं आख्या गया सी कि भई इसहाक तो तेरी अंश होवेगी, क्यों जो उसने विचार कीता जो परमेश्वर मुरदियां चों उठाउण नूं भी की करदा है समर्थ है। कहण तों भाव जदों रब ने इसहाक नूं
बलिदान चढ़ाने लिए कह दिता ते रब दे वादियां नूं उन्हें सच मन्निया। और इत्थे इदां लिखिया, मैं तुहानूं इजी दे विच दस्सां, इत्थे लिखिया उसने एक गल नूं जाणदा सी कि उह रब ने कहा सी सहाग तों ही तेरी की होवेगी अंश चलेगी ते होवेगी। इस करके उहने कहा कि जे मैं इस नूं बलिदान कर भी दवां, रब दे वादियां तों उहने शक नहीं कीता और कलाम दे उत्ते खड़ा रहा कि जे सहाग नूं मैं बलिदान कर भी दवेंगा ते रब जिहड़ा वा मुरदियां विच जान पाउण दी समर्था रखदा आ ते ओह की कर देगा इहनूं मुरदियां दे विचों वी की कर देगा जिंदा कर देवेगा। इस करके कहिंदे मन उहने की कर लिया, उहनूं मुरदियां विचों पाई लिया, उहने ते जिंदा ही करा लिया क्योंकि ओह रब दे दिलां नूं जाणदा आ। रब नूं धोखा नहीं इंसान दे सकदा, ओह ते लै गिया उसनूं, लकड़ियां नूं वी लै गिया, मोरिया पहाड़ ते चढ़िया गया, उसनूं उत्ते लै गिया, उहदे हथ पैर बन्ह के उहनूं जगवेदी उत्ते रख के छुरी कढ लई, उसनूं मारन लई तैयार हो गया। इसदा मतलब कि रब उसदे दिल नूं जाणदा, 1% उहदे मन विच शक नहीं सी कि मैं इहनूं नहीं मारना, इहनूं बली नहीं चढ़ाउणा। ते परमेश्वर ने की कीता, उसदे दिल नूं परखिया क्योंकि उहने रब दे वादियां उत्ते शक नहीं कीता। और रब जानदा सी कि इसहाक दे द्वारा की होना है जी, की करना जी, मेरी इच्छा अगे वधनी है क्योंकि जे ना वधनी होंदी ते इशमाइल नूं रब ना कहिंदा कि इहनूं दूर भेजदे। रब ने तो पहलां कहा इशमाइल नूं की करदे, अपने नालों दूर करदे, तेरी इच्छा इसहाक तों वायदे दे पुत्तर उत्तों की होवेगी जी, पूरी होएगी। उसने खुदा दे वादे उत्ते शक नहीं कीता। इसे तरह जो असी परताए जाने हैं, परखे जाने हैं, पहली गल असी कदे भी रब दे वादियां उत्ते शक ना करिए। दूसरी गल है ये रब दी समर्था उत्ते साडा विश्वास होना चाहिए। सानू हमेशा पता होना चाहिए कि रब दी समर्था जिहड़ी आ उह सभना नालों वध के है। साडा रब अज साइंस जिहड़ी सी कहिंदे बड़ी असी तरक्की कर ली, पर असी देखदे हां कि जिहड़े हालात बणे ने साइंस इहदे विच फेल आ और इहदे विच जिहड़ा वा कोई भी इस सिचुएशन उत्ते परिस्थिति उत्ते काबू नहीं है। पर असीं जानदे साडा रब की आ, उही की कर सकदा इस चीज उत्ते फतह पा सकदा, क्योंकि बाइबल च लिखिया जो मनुखां दे लई होणा आ रब दे लई होणा आ, जो मनुख नहीं कर सकदे रब उह कर सकदा। बाइबल कहिंदी है कि रब सब कुछ ही कर सकदा है। जे इस दा कुछ भी होवेगा तां रब दी अगवाई दे द्वारा ही, जे वो कोई इलाज भी सफल होएगा तो उसकी कृपा दे नाल होएगा। अज जिन्ने लोग वायरस नाल मार भी रहे ने, जेडे बचाए भी जा रहे ने, वो संतां दीआं दुआवां ने और डॉक्टरां दी मेहनत है और रब दी कृपा दे नाल की कर रहे ने, वो लोग बचाए जा रहे ने। क्योंकि रब की करदा है उहदी समर्था उत्ते असीं कदे भी शक ना करिए। और कदे भी जो रब पहलां जिहड़ा रब सी उहो ही हुण रब आ इस हालातां दे विच, ते जदों इह खतम हो जाएगा ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਤਾਵੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 7 ਗੁਣਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ, ਝੁਲਸ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਡਿੱਗੇ ਉਹ 4 ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭੇਗਾ?
विश्वास बड़ी जरूरी चीज है। वैसे करके बाइबल विच लिखे रब ने यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा, हे पतरस तेरा विश्वास परख्या जाएगा, जिदा छज च पा के दाने छजी दे ने छटी दे ने इदा तेरा विश्वास की कीता जाएगा छटिया जाएगा, पर मैं तेरे लिए दुआ कीती है कि तेरा विश्वास जांदा ना रवे। विश्वास बड़ा जरूरी है, इस करके भूक कहिंदा है खुदा दे कलाम दे विचों हालातां दे नाल ते जज्बातां दे नाल साडा विश्वास नहीं बदलना चाहिए। एक आयत नूं पढ़ के मैं इत्थे क्लोज करांगा। बाइबल दे विच लिखिया खुदा दे कलाम दे विच हबकूक ने अजिही दुआ कीती और उसने दुआ करके प्रभु दे अगे भजन गाया। लिखिया उन्हां दिनां दे विच इसराइल नूं मारन दे लई पराईयां कौमां आ गईयां और प्रभु दे दास ने उन्हूं सवाल किया और रब ने उन्हूं अगों जवाब दिता। उन्हें कहा मेरा धर्मी जन नेचा दे नाल की रहेगा जी जिउंदा रवेगा। हालेलुया। और इस गल उत्ते की कीता बाइबल दे विच लिखिया उसने जड़ा हबकूक ने जड़ा सी ओ तीन बाप दी ओदी 17:19 तक एक गीत गाया। इस गीत नूं मैं तुहानूं दस के ते खत्म करांगा। लिखिया उसने गीत इदा गाया कहिंदा भावें अंजीर दे ब्रिश नूं ब्रिश ना फले फुले, भावें अंजीर दे ब्रिश ना अंजीर दा ब्रिश ना फले फुले, ना अंगूरी वेलां उत्ते फल होवे, भावें जैतून दे ब्रिश ਦਾ ਹਾਸਲ ਘਟੇ ਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅੰਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਗ ਕੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੋ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਭਲਾਈਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਗੇ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਟੇ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਯਾ।